साथ में नहीं होता कोई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी थी अकेले फिरते। बस ये है साथ का भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये साथ का बहुत सारा मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घर में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमने बहुत दिनों से ब्लॉग भी नहीं डाला था, मतलब हमें तो हो गया 1-2 महीना ब्लॉग डाले हुए, तो इसलिए सोचा आज थोड़ा 5 मिनट का आपके साथ कुछ बातें शेयर कर लें। ठीक है, तो जिस कारण मैं नहीं बनाया ब्लॉग, और मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो नहीं डाल पाते ब्लॉग को, और वही हमारे साथ हुआ है। जैसे हमारा बेबी होने वाला था ना, तो आप सबको तो पता ही है, मैंने शेयर कर रखा था आपसे। तो जब हम लोगों का लास्ट मोमेंट पर ऐसे हुआ कि मतलब ऐसा हो जाता है ना कि गुम हो जाता है पेट में बच्चा, तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। 2-3 दिन हो गए थे। ठीक है, 2-3 दिन के बाद मतलब एक दोस्त से मैंने बोला भी, जैसे अड़ोस पड़ोस की लेडीज से बताते हैं, तो मैंने ऐसे बताया तो सबने कहा कि नॉर्मली है, 9 महीने पर ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो टेंशन मत लो। मैंने ऐसे कोई टेंशन नहीं ली। तो जब 3 दिन हो गए फिर भी, फिर हमने सोचा एक बार चेक करा लेते हैं। ठीक है, फिर हम हॉस्पिटल गए। तो फ्रेंड्स, हॉस्पिटल में जाके पता चला हम लोगों को कि अल्ट्रासाउंड किया उन्होंने, डॉक्टर ने। जैसे ही उन्होंने कहा कि बच्चा मतलब पेट में डेथ हो गई है उसकी, तो सच में इतना वो लगा मुझे, ऐसा हो गया कि मतलब यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि मुझे लगा मशीन गलत है, ऐसे ही खोल दिया उसने। ठीक है, पर फिर उसके बाद हम दूसरी जगह गए ये सोच के कि शायद इसकी मशीन में कुछ प्रॉब्लम होगी तो दूसरा सही होता है, तो इस वजह से हम दूसरे के यहाँ गए। उसने भी ऐसा ही बताया। मतलब 2 घंटे में हमने 4 अल्ट्रासाउंड कराए, 4 अल्ट्रासाउंड में यही बताया। ठीक है, फिर उसके बाद हॉस्पिटल, कोई सा भी हॉस्पिटल में छोड़ा नहीं, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई सा भी नहीं छोड़ा। ठीक है, और जहाँ एक जगह लेके गए वहाँ पर लगभग खर्चा भी इतना, 1.5 लाख रुपए का खर्चा भी बता दिया। और वहाँ पे ऑपरेशन, बिना ऑपरेशन के तो किसी डॉक्टर ने बोला ही नहीं कि ऑपरेशन सही होगा, जब पेट में बच्चा का था मैं तो ऑपरेशन सही होगा। तो फिर भी मतलब ऑपरेशन की एक जगह तो तैयारी भी हो गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। मतलब एक तो डर था और ऊपर से टेंशन भी थी। ठीक है, और ये भी था कि जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे 1-1 दिन, वो चीज़ भी हाथ से चली गई थी। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हुई, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई थी। तो मेरी शुगर भी बढ़ गई थी, शुगर इतनी हैवी हो गई थी, मेरा बीपी हाई हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, मतलब एक वो था कि बचना मुश्किल बोल देते हैं जैसे ऐसे, वो तो ये है कि सारा वैसा ऐसा नहीं है कि ऐसे टाइम पर फैमिली नहीं आई, सारी फैमिली भी आ गई थी। और क्या कहते हैं, ये भी परेशान हो गए थे कि सारे मैं मुझे लेके घूम रहे थे इधर उधर हॉस्पिटलों में, तो ये लोग भी परेशान थे बहुत ज़्यादा। और बस ये है कि हो गया बस, लेकिन मतलब एक ऐसा हो जाता है कि धक्का सा, जैसे कि इंसान शॉक्ड रह जाता है कि क्या हो गया। ठीक है, तो वही हमारे साथ हुआ, मतलब यकीन ही नहीं होने को तैयार था कि ऐसा कुछ होगा। पता नहीं 2-3 दिन में ऐसा क्या हुआ, लास्ट मोमेंट पर मतलब डिलीवरी डेट आने वाली थी उससे 2-3 दिन पहले ही ऐसा हो गया। ठीक है, तो हम लोग भी बहुत टेंशन, इंतज़ार तो वैसे मुझे जितना था उतना ही मेरे हस्बैंड को भी था कि हमारा छोटा सा बच्चा होगा एक, और मतलब हम सोचते थे उसको ब्लॉग बनाएंगे एक, कि उसके नाम से एक ब्लॉग चलाएंगे हम। ठीक है, लेकिन सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जो सोचता है इंसान वो होता नहीं है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई थी, इतनी हो गई थी कि हम लोग बस जेल गए, क्योंकि और मैं तो इसलिए जेल गई क्योंकि मेरे साथ ये थे। ठीक है, वरना तो ऐसा हो गया था कि इन अगर साथ में नहीं होता कोई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी अकेले फिरते। बस ये है, साथ का भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, साथ का बहुत सारा मिलता है, तो इसलिए हमारे साथ बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी, इसलिए हमने ब्लॉक नहीं डाला। तो और जब मैं घर पे आई तो वही है, अंदर मतलब ऐसा हो रहा था फीलिंग कि किसके लिए गई थी, क्या अकेले आई हूँ,
तो इसलिए थोड़ी दिक्कतें हुई, बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, तो इसलिए मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी हमारे यहाँ, तो इसलिए ना ब्लॉग भी नहीं डाल पाए हम लोग। तो इसलिए सोचा आपसे शेयर कर लूँ, क्योंकि मैंने बता रखा था इसलिए ब्लॉग में, हर किसी ब्लॉग में बता रखा था कि हमारा बेबी होने वाला है, तो इसलिए। और जो मेरा रेस्ट बोल रखा था डॉक्टर ने 1 महीना, वो मेरा पूरा हो गया, क्योंकि कल 16 तारीख थी, तो 16 तारीख को 1 महीना हो गया, तो इसलिए सोचा आज ब्लॉग बना देती हूँ। और मैं ये है कि थोड़ा बाहर भी चली जाती हूँ अभी, क्योंकि जब बच्चा होता है तो बाहर नहीं जाते ना, तो इसलिए बाहर भी नहीं गई थी मैं घर से, अब तो जाने लगी हूँ फिर भी। तो बस ये है, टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, अब वही है, सोच लिया है, मन को तसल्ली सी कर ली है अपने आप को, खुद को, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या पता हमारी किस्मत में नहीं था, तो इसलिए। क्योंकि सबसे बढ़िया किस्मत होती है जब तक कोई चीज़ मतलब हमारे नसीब में नहीं होगी, वो हमें नहीं मिलेगी, हाथ से आके भी छूट जाती है, तो वही हुआ है, हमारे हाथ में आके छूट गई है, क्योंकि हमारी किस्मत में नहीं थी, तो इसलिए बस ये है, मन को क्या वो करना, बहला लेते हैं अपने मन को यही सोच के, तो इसलिए बस यही आपसे शेयर करना था, ठीक है। और ब्लॉग बनाने का भी ऐसा कोई मन नहीं है, पर ये है कि जब हमने ब्लॉग चला रखा है तो मतलब जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको भी इंतज़ार रहता होगा ब्लॉग का, तो इसलिए ठीक है ब्लॉग बनाने का, वरना मेरा आज बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि जब हमने भी बता रखी है बातें तो शेयर करनी भी बनती है, बताना चाहिए, इसलिए आप लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, इसलिए हमने ब्लॉग नहीं डाला। और उस टाइम पे हम ज़्यादा ही कुछ टेंशन में आ गए थे, खासकर मेरे हस्बैंड, क्योंकि वो घर पे भी बार बार आ रहे थे, बार बार हॉस्पिटल भी चक्कर काट रहे थे, उनका अपना काम भी होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी उन्हें, तो इसलिए हम ब्लॉग ये कहाँ से डालते, ठीक है। और 1 महीना हो गया, क्योंकि पिछले महीने की 16 तारीख का ऐसा, बस इतनी ही बात है, मिलती हूँ कल, ब्लॉग बनाऊँगी, ओके। तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, बाय।